समीना, नाम नहीं ले मेरा, क्या नाम मैंने कहा कि आप खो चुके, जो धोखा दे रहा था तो पहले दे देते ना, अब तो मेरे बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। यार ऐसा नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। हादिया, हादी प्लीज, आपको ये सब एक ना एक दिन फेस करना ही था। चाचू ने आपकी मामा से शादी की और ये बात हम सबसे छुपाई, आपको इस घर में ले आए और ये बताया कि आपकी दोस्त की बेटी है। ये सब मामूली बात नहीं है, ये तूफान आना ही था एक दिन। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जोहेब, मेरी वजह से इस घर की आप सबकी खुशियां बर्बाद हो गई। आप ठीक कह रही हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर शायद ये किस्मत में लिखा हुआ था। मैंने नानू को समझा दिया था, वो समझ गई थी, वो वापस जा रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया। आपको पता था कि आपकी नानी उस शादी हॉल में आ रही है? नहीं, अगर मुझे पता होता मैं उनको कभी ना आने देती, मैं रोक लेती उनको। ये सब गलती चाचू की है, उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था, और अगर पहले शादी सबसे छुपाई गई थी तो कम से कम चच्ची को बताना चाहिए था। बेचारी चच्ची को इतना रोता हुआ कभी नहीं देखा, हमेशा खुश होती हैं, हमेशा मुस्कुराती हैं। और पता कहाँ जा रही हो? मैं छोटी मामा से बात कर लेती हूँ, मैं उनके सामने माफी मांग लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी। पागल हो गई हो? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता सब कितने गुस्से में। मुझे पता है ये सब आपकी गलती नहीं है, वो कहते हैं ना गलती किसी की होती है और सजा किसी और को मिलती है। अब क्या होगा जोहेब? मुझे नहीं पता, मैं इतनी टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अभी किसी से मत बात करें, सब इतने गुस्से में और मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा आप पर निकाले। और हादिया प्लीज ऐसे मत सोचे कि आप अकेली हैं, मैं आपके साथ हूँ। फसों है दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद मोहब्बत जुनून है। एहसन, I'm sorry, इतनी सारी टेंशन हैं कि मैं तुम्हें भूल ही गया। हैरत है, अपनी शादी की रात भी कोई अपनी दुल्हन को भला भूल सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने बहुत सारे प्लान्स किए हुए थे, लेकिन सारे के सारे प्लान्स मेरे धरे के धरे रह गए। मैंने तो सुना था ये दिन किसी भी लड़की के लिए बहुत यादगार दिन होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत सारे प्लान्स किए हुए थे मैंने, मैं आऊँगा तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करूँगा, अपने दिल का हाल बयान करूँगा,
लेकिन मामा की रोती हुई शक्ल देखकर मैं सब भूल गया। तुम जानती हो जिस तरीके से आज मैंने पापा से गुस्से में बात की है, मैंने कभी नहीं की। न जाने गुस्से में मैं क्या कुछ कह गया उनको, बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं, अफसोस है मुझे। अच्छा ये बताएं, मेरी मुंह दिखाई लाए या फिर वो भी भूल गए? कैसे भूल सकता, लेकर आया, अभी लेकर आता हूं। वाओ ऐसा, ये तो बहुत खूबसूरत है। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अब आप भी अपनी सारी टेंशन्स भूल जाएं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हमारे खूबसूरत लम्हे खराब हों। आई एम सॉरी, बाबा की वजह से हमारी ये स्पेशल रात खराब हो गई। अब आप सॉरी करते रहेंगे या नेकलेस मुझे पहनाएंगे? Sure. अम्मा जी नाश्ता करें, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा। अम्मा जी जो होना था वो हो गया है, अच्छा ही हुआ कि आपने वहां जाके सबको हादिया की हकीकत बता दी। आखिर सबको पता चल गया ना कि हादिया शौकत भाई की बेटी है। पता नहीं क्यों बेटा मेरा दिल नहीं मान रहा। सोच रही हूं मैंने वहां जाकर गलती की, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था।